हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जरूर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम हर एक टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिसको आप एक बार उस वीडियो को देखने के बाद रीजनिंग में आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारा टारगेट यही है, हमारा मोटिव यही है कि हम आउट ऑफ मार्क्स 50 out of 50 इन एवरी एग्ज़ाम। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको मार्केटिंग के तौर पे ही आपको कंटेंट मिलेगा जितना वो आपको बताना चाहते हैं। एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारे 50 में से 42-43 मार्क्स तक आके रुक जाते हैं। जयरूहिल चैनल आपको 50 out of 50 दिलाने का वादा करता है अगर आप हमारी वीडियो को, पूरी वीडियो को देखोगे और इसमें दिए गए एग्जाम्पल्स को, ट्रिक्स को फॉलो करोगे। Sufficient material will be provided in these videos. So, follow us. हमारी इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी फर्दर वीडियोज भी आएंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। वैसे तो बहुत ही ईजी लगता है, हम इनको सोचते हैं हम सब कर ही लेंगे, लेकिन आज आप इस वीडियो को मेरे कहने से एक बार पूरा देखिए। आपको फील होगा कि वीडियो में डिफरेंस कहाँ है, कहाँ हम हमारे 2-3 मार्क्स क्यों नहीं हम आउट ऑफ मार्क्स ले पा रहे हैं। ठीक है, वॉच वीडियो टिल एंड एंड फील द डिफरेंस। इसके दो पार्ट इंक्लूड करें क्योंकि एक पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसमें फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। इसमें बेसिक लेवल, देन एडवांस लेवल, सभी टाइप जो भी उनमें ट्रिक होंगी सबको डिटेल में बताया जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर हमें कमेंट्स भी करना कि वीडियो कैसी लगी और हम आगे वाली वीडियो में और क्या इम्प्रूव करें। लेट्स स्टार्ट। आवर मोटिव इज फुल मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन इन एवरी एग्जाम। स्टार्ट करते हैं बेसिक में से। सबसे बेसिक होता है कोडिंग बाय शिफ्टिंग लेटर्स। ओके, देखो इसमें क्या होता है, हमारी इससे पहले एक वीडियोज़ है, आप उसको वीडियो है उसमें देख लीजिए, आप ए टू जेड वर्ड को कैसे याद किया जाए। ओके, हम जब भी एक स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, हमें अल्फ़ाबेट्स का जो सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए। जैसे ई होता है 5, आर होता है 18, जे होता है 10, एंड डब्ल्यू क्या होता है, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपने माइंड में भी इसको रिकॉल कर सकते हैं, 24 से कम 23। देखो हमने पहली वीडियो में बताया हमने कैसे याद किया है, फ्लरक्स, FLRX, तो आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, 6, 12, 18, 24। जैसे यहाँ पे W है, मुझे याद आया 24 से कम 23। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, B कितना है, 2, F, 6। ठीक है, L आपको पता है जैसे 12, 13। ठीक है, यहाँ पे G कितना है, सभी को ऐसे न्यूमेरिकल कर लीजिए, 8। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ 5 था, यहाँ है 7, इट मीन्स प्लस 2। सिमिलरली यहाँ 18 था, आप देख रहे हैं ये 18 है, यहाँ 20 है, प्लस 2, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, प्लस 2, इट मीन्स प्लस 2 का इसमें एडिशन हुआ है। ओके, तो हमें अब इसका आंसर निकालना है कि यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। बी 2 है, 2 प्लस 2, यहाँ क्या आना चाहिए था, 4, 8, 15 and 14, ये इसका आंसर होगा। बी यहाँ हो जाएगा डी, एफ एच एम ओ एल, सो ये हो गया आंसर। ये है सिंपल एडिशन। जिनको ये सब पता है आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे आपके लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वीडियोस उस बेसिक से लेके स्टार्ट करनी है हमें, तो बेसिक से एडवांस को हम लेके जाएंगे, आप 2 मिनट का पेशेंस रखिए बस। यहाँ पे आता है एडिशन एंड
एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में आता है ये, काउंटिंग डाल, जैसे हमने ऊपर इनकी काउंटिंग की थी वैसे हम इसकी भी कर लेंगे। पी होता है 16, ई 5, ए 1, 18। देन देखो स्टेटमेंट क्या आएगी, इफ पी ई ए आर इज रिटन एज आर सी सी पी देन इसको हम क्या लिखेंगे, तो आर क्या होगा याद कीजिए, सी सी एंड क्यू। सिमिलरली नाउ अब आप ये देखिए यहां पे 16 है एंड यहां पे कितना हुआ है प्लस 2, यहां पर कितना है 5 और यहां पर कितना है मींस माइनस 2। ठीक है, सेम हमने देखा फिर 1 और 3 में प्लस 2 का एंड 18 एंड 16 में माइनस 2 का। तो यहां पे क्या सीक्वेंस हमने फॉलो किया है, जैसे कि आप देख रहे हो एक बार प्लस 2 देन माइनस 2। तो अब जो यहां हमें आंसर चाहिए है, ठीक है, अगर यहां पर डी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पे 16 था, यहां पे प्लस 2 करना है, सो प्लस 2 से स्टार्ट करने में तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, एफ क्या होता है 6। अब यहां पर 5 था, 5 से 3 माइनस 2 हुआ है यहां पे, ओके, तो यहां पे 6 से माइनस 2 होगा 4, 4 क्या होता है डी। सिमिलरली 12 प्लस 2 14, ये होता है एन। 20 माइनस 2 18, 18 क्या होता है आर। तो आपका जो ये है ये आ गया आपका आंसर, ओके। नाउ रिवर्स हाफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसको बड़े ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है, आप क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ओके। नाउ जल्दी जल्दी देखेंगे, देखो एच क्या होता है, एच क्या होता है 8, ए 3, 11, 5, 18। इफ हैकर को हमें हमने लिखा है ग्राउंड में 7, 18, 15, 21, 14 एंड, ठीक है, देखो क्वेश्चन अब बदल गया, ठीक है, यहां पर क्या है जो रिलेशन किस में दिया है, हैकर में, और मींस इसको हमें डिकोड करके ये दिख के दिया है और हमें आंसर क्या चाहिए, यहां आंसर चाहिए हमें, ठीक है, ये क्या आंसर होगा। नाउ ई क्या होता है 5, सी 3, जे 10, आई 9, सी 3 एंड पी कितना होता है 16। आप भी मेरे साथ साथ इसको रिवाइज कीजिए इनको, ठीक है। अब हमें देखना है, देखो इसका ऑर्डर कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ से देखो 8 से 5 माइनस 3 हो रहा है, यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 2 हो रहा है, 3 से 10 7 इंक्रीज हो रहा है, फिर 2 इंक्रीज हो रहा है, कहीं मतलब इरेगुलरिटी है। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है हमें, तो जाके तो इस पे ये सेट हो जाए हमारी और हम इसका आंसर निकाल सके। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 8, 8 प्लस 2 10, कुछ ऐसे ही, देखो हमें क्या देखना है इसमें रिलेशन, हम इसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे, ओके। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 16 प्लस 2 राइट देन प्लस 2 एंड दिस वन आल्सो प्लस 2,
यहां पर रिलेशन देखो कुछ नहीं दिख रहा, अब इसको क्रॉस करके देखिए कितना हुआ, ये प्लस टू देन कितना हुआ प्लस टू, एंड दिस वन वन से थ्री हो गया प्लस टू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बैंकिंग में भी काफी पूछी जाती है, एसएससी में भी काफी पूछी जाती है। तो अब हमने डिकोड कर लिया है, अब हमें चाहिए इसका आंसर, तो हम इसको भी हाफ में डिवाइड कर लेंगे। ओके नाउ यहां से क्या था, 11 में से -2 हुआ था, इट मींस जो डिनोमिनेटर में है यहां पर इसमें +2 ऐड होगा, तो यहां पर क्या होगा 19, यहां पर होगा 12, यहां पर होगा 2, यहां पर था 3, यहां आ गया था 5, सो 15, सो 15 यहां पे क्या हो जाएगा जो वर्ड है 17। सिमिलरली 18 का यहाँ वर्ड आ जाएगा 20, एंड यहाँ पे 7 है तो यहाँ आ जाएगा 9। तो आपका क्या, आपका वर्ड क्या बना, आपका वर्ड बना है क्यू टी आई देन अगेन 19 कितना होता है, अब रिकॉल कीजिए साथ साथ में आपको याद हो जाएगा, एस 12 कितना होता है, एल 2 होता है, बी ये है आपका आंसर। देखो इस ट्रिक को बहुत ही ध्यान से देखना, आपको बुक्स में बहुत कम अवेलेबल होंगी ये। हाफ को रिवर्स किया है हमने, जो हाफ है हाफ के जो यहाँ बच गया है, यहाँ हमने इसका एक डिकोड किया है, यहाँ हमने इसको रिवर्स किया है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ओके सिमिलरली हम जल्दी जल्दी इसको लिख लेंगे, इसकी न्यूमेरिकल। ये आपको अगर समझ में नहीं आया आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। टू वन आप साथ में बोलते रहिए, मैं इसलिए रुकता हूँ ताकि आप भी इसको रिवाइज करें। कितना 14, यस 11, 5, आर क्या होता है फ्लक्स जो हमने बताया था आपको, इट मीन्स 18, 27, 13, ये सबको आपको बताइए। ओके हमें निकालना है इसका 7, 18, 15, 21, 14 एंड 4, ठीक है। अब आप इसमें फिर देखिए आप क्या कॉम्बिनेशन आप इसमें बना सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, आप इजीली आप देख पा रहे हो, जैसे 18 है यहाँ 20 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको 5 दिख रहा है, यहाँ 7, 11 है यहाँ पे 13 है, ओके नाउ यहाँ 14 है, यहाँ इससे सिमिलर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 है कोई जो लास्ट वर्ड कोई मैच नहीं हो, यहाँ 2 है और यहाँ पे 26 है वो भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है +2 और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर हम एरो देखते हैं, देखो अगर 12 से लेके 14 यहाँ पे है +2 और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ है -2, ओके। अब देखिए यहाँ क्या है 20, यहाँ क्या है 18, इट मीन्स ये क्या है -2 अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ओके। सिमिलरली यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर क्या है 5, इट मीन्स अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या है -2। यहाँ पर देखिए अब आप, आपका वर्ड है जेड, अब जेड के बाद आता है ए एंड देन आता है बी, मीन्स जेड के बाद अगर हम +2 करते हैं तो हमारे पास आता है बी, राइट। और अगर हम वाई, वाई क्या हमारा 25, नेक्स्ट वर्ड इज जेड देन ए, इट मीन्स 25 और यहां पर क्या हुआ है यहां +2। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे।
अब हम इसको फॉलो करेंगे सिमिलरली इस पे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख के आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सॉल्यूशन तो आपको वीडियो को रिज्यूम करते ही आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहले हमने देखा था सेंटर के जो दो वर्ड हमने निकाले थे, ओके। अगर यहाँ 15 था तो यहाँ पे इसमें से दो कम हो जाएंगे, इट मीन्स 13। 13 क्या होता है? एम। अगर यहाँ पे 21 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था देखो, प्लस 2, मीन्स यहाँ पे आएगा 23। ओके, ये आपने वही फॉलो करना जो हमने पहले किया था। तो 23 क्या होता है? W। अब बारी आती है हमारी इनवर्ड्स की, ओके। अब हमने देखा था कि जो B है वो लास्ट वर्ड से दो वर्ड आगे था, तो यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे कितना होगा? 5। 5 कितना होता है? E। हो गया। अब हमें पता था जैसे A है, A क्या था, ये भी दो वर्ड आगे था यहाँ से। अगर ये वर्ड 18 है तो यहाँ क्या आएगा? 16। 16 क्या होता है आपका? P। सिमिलरली अगर यहाँ पर R था, यहाँ पे प्लस 2, अगर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 2 करके हो जाएगा 6। ओके, 6 क्या होता है आपका? F। 14 प्लस 2 16, ठीक है, 16 क्या होता है आपका? P। ये जो है ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिए, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम हाफ रिवर्स पे, ठीक है। हाफ रिवर्स ही बहुत ही सिंपल है, आप इसको बहुत ही इजीली कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या है? सी ओ डी, ओके, और यहाँ पे क्या है? डी ओ सी, मीन्स जो ये हाफ है, हाफ का रिवर्स है डी ओ एन सी। जैसे यहाँ पे आई एन जी और यहाँ पे क्या है? आई एन जी। तो आप इसको हाफ कर लेंगे और आंसर क्या होगा? एस एन ए, यहाँ पे क्या होगा? आर ई डब्ल्यू। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाते हैं सी एच एस एल या किसी और एग्जाम्स में, पी आर टी टी जी टी में भी आ जाते हैं ये, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है सम इक्वल टू 27, ओके। तो ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है, जैसे बी, बी क्या होता है? 2 1, दूसरे टी है 20, जी होता है 7, एक्स होता है 24 और होता है 20, ये कितना होता है? 25। इसमें आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने जो है वो सम दिया है आपको 27 का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे है 26 का। इन दोनों में 26, 26 और यहाँ पे 27, ओके। यहाँ पे क्या है आपका? 26, यहाँ भी कितना आपका? 26 और यहाँ कितना है? 27। तो सेम यहाँ फॉलो करना है हमें, ओके। यहाँ भी हमें सेम फॉलो करना है, यहाँ हमारा होना चाहिए था 26 सम, यहाँ भी 26, यहाँ 27। ये कैसे आएगा? R, ठीक है, R क्या होता है? 18। तो 18 में कितना ऐड करेंगे हम कि 26 हो जाए? 8। A होता है 1, में कितना ऐड करेंगे हम कि 20 होता है? 25। देन M, M होता है 13, तो कितना ऐड करेंगे हम इसमें? 14, ओके। तो 8 क्या होता है? H, 25 क्या होता है? Y, 14 क्या होता है? आप रिकॉल कीजिए, 14 क्या होता है? N। तो जो ये है ये आपका आंसर आ गया। हमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड को आंसर हमें उसका फाइंड आउट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कॉन्सोनेंट एंड वोवल, ठीक है। इसमें देखो कॉन्सोनेंट एंड वोवल आपको पता होगा, जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ एन यू, ठीक है। इस पे भी आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस जब बनाते हैं तो इन्हीं पे बनाते हैं।
नंबरिंग आप देख लीजिए, एच क्या होता है, 8, 15, 14, 5, एस टी, टी होता है आपको पता है जैसे 2020 मैच होता है, टी से 20, तो एस क्या होगा 19, वाई होता है 25, जे 10, टी के बाद यू आता है। तो ये आपको वीडियो हमारी वन देखेंगे आप तो आपको इजीली याद हो जाएगा, 21, देन पी होता है 16, दिस इज आई, आई होता है आपका 9, टी 2020 मैच, वी 22 एंड जेड 26। ये हमें गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होगा एफ 6, देन आर, आर कितना होता है, क्यू होता है 17, हमने याद करवा रखा आपको, तो आर उससे 18, आई होता है 9 इज 5, एन क्या होता है 14, यस, डी कितना होता है 4। अब आप इसमें ये देखिए वोवेल्स, वोवेल्स आप कोई भी आप इसमें देखोगे 8 से 10, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 2, तो आपने यहाँ देखा 15 और 21, यहाँ कितना हुआ आपका प्लस 6, ओके, यहाँ आपका हुआ था प्लस 2, यहाँ हुआ आपका प्लस 6, अगेन यहाँ कितना हुआ है प्लस 2, यहाँ कितना हुआ है प्लस 4, यहाँ प्लस 1, यहाँ प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1, ओके। अब आप ये देखिए जो है सीक्वेंस है आपको कहाँ फॉलो नहीं हो रहा, देखो यहाँ यहाँ पे आपको प्लस 2 दिख रहा है, प्लस 2, यहाँ पे फिर चेंज हुआ है, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे अगेन प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1। तो अब आप आपको ध्यान के क्या देना है, जो वोवल्स हैं आप इनकी पोजीशंस को छोड़ दीजिए, मींस ये जो पोजीशन है वोवल्स की आप इनको अलग रखिए पहले, और बाकी जो भी फॉलो करते हैं आप उसको पहले करिए। एच फर्स्ट वर्ड कितना हुआ था यहाँ पे प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। नेक्स्ट वर्ड है एन, यहाँ कितना वर्ड किया था आपका प्लस 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 18 था तो यहाँ आ जाएगा 20। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ओ है, वोवेल्स ओ के बाद क्या आता है क्यू, ओ के बाद आता है यू, तो ओ के बाद यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे वोवेल्स है आई, आई के बाद वोवेल क्या आता है ओ। सिमिलरली नेक्स्ट जो था ई के बाद हमने देखा आई, ठीक, क्योंकि देखो कोई सीक्वेंस नहीं हम, इसलिए ये ट्रेंड है एक, अगर वोवल से नेक्स्ट वोवल है तो हमें जो हमें आंसर निकालना है उसमें भी वोवल्स का जो नेक्स्ट वोवल है आई, आई के बाद क्या होता है ओ, तो आई के बाद ओ आ गया, यहाँ पे ई के बाद आई था तो यहाँ भी ई के बाद आपका आई ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है एस, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है तो एन के बाद भी प्लस 1 होगा, दैट इज 15, अगेन यहाँ प्लस 2 हुआ है तो यहाँ भी प्लस 2 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 6। तो अब आप ये जो है हमारा यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। 8 क्या होता है आपका एच, 20 होता है आपका टी, ओ आई, 15 होता है आपका अगेन ओ, एंड 6 होता है एफ, तो ये आपका आंसर होगा। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से एक बार फिर देखना, अगर वोवल्स के बाद यहाँ वोवल है और हम कोई और ट्रेंड नहीं बना पा रहे हैं तो वोवल से नेक्स्ट वोवल, सो आई वोवल, ए ई आई ओ यू, ये सीक्वेंस है, ई के बाद आई आता है तो यहाँ भी ई के बाद आई को आएगा, अगर यहाँ ओ के बाद यू आया है मीन्स नेक्स्ट वोवल, तो आई के बाद नेक्स्ट वोवल आएगा। फिर हम वर्ड्स पे ध्यान देंगे, एच के बाद प्लस 2 हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, यहाँ भी 6 के बाद यहाँ भी प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस 2 हुआ था। फिर हमने नेक्स्ट वर्ड देखा एस, यहाँ पे प्लस 1 हुआ है, ये देखिए तो यहाँ भी प्लस 1 हुआ है, ये आपको बहुत ही कम बुक्स में और बहुत ही कम जगह मिलेगा, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। अब होता है एक होता है रिवर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, अब जल्दी से इसकी वर्डिंग्स को लिख लीजिए।
फोर फाइव देन आर इज 18 वन 20 एंड 5 5 4 यू 21 3 1 20 आई कितना होता है 9 ओ कितना होता है 15 एन कितना होता है एल एम एन मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ साथ साथ में 14 एस होता है 19 3 डब्ल्यू क्या होता है एक्स वाई जेड ऐसे याद कर लीजिए और जो फ्लरक्स में एक्स आता है तो उससे पहले 23 आई होता है आपका 9 4 2 एल क्या होता है 12 और आई कितना होता है 9 ओके अब देखिए क्या ऑर्डर आप इसमें आपको क्या मिल रहा है। अब आप इसको ऑर्डर देखिए, पहले आप वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर देखिए आप क्या सोचते हैं, उसके बाद फिर इसको आप ओपन दोबारा रिज्यूम करना, बहुत ही ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या है 13 13 मैं बार बार बता रहा हूँ ठीक है, यहाँ 15 4 5 यहाँ देखिए 4 2 12 एंड 9 9 से ठीक है 13 कितना हुआ प्लस 4 यहाँ पे क्या है 12 12 से 15 कितना हुआ है प्लस 3 यहाँ क्या है 2 यहाँ कितना हुआ है प्लस 2 यहाँ कितना है 4 यहाँ कितना हुआ प्लस मींस यहाँ का हाफ के जो रिवर्स है उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रहा है 4 3 2 1। जो बिगिनर्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप परेशान ना होना, ये बहुत ही इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस पे बहुत ही जल्दी कमांड आपकी हो जाएगी और ये चैप्टर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। फिर सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं 18 से 19 हुआ है प्लस 1 यहाँ पे 1 से 3 हुआ है प्लस 2 20 से 23 प्लस 3 एंड अगेन प्लस 4। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या था 4 3 2 1 यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो अब यही ट्रैक फॉलो करना है हमें आंसर में। तो आंसर कैसे मिलेगा हमें आप बताइए, सोचिए आप इसका आंसर सोचिए पहले कैसे होगा। देखो सबसे पहले हमने इसको हाफ में डिवाइड करना है क्योंकि हमें चार चार का जो हमें ऑप्शन मिला है तो उसमें हमने देखा कि आपका एक वर्ड जो है उसका वो एक्स्ट्रा वर्ड है तो आप इसको क्या करेंगे आप ए अभी छोड़ दीजिए ठीक है। बाकी जो हमारा आंसर आना है इसमें वो कैसे आएगा, अगर यहाँ पर हमने कैसे देखा था जो यहाँ वर्ड है वो यहाँ से कितना ज़्यादा था चार चार वर्ड ज़्यादा था, अगर यहाँ पाँच है ठीक है तो यहाँ कितना होना चाहिए था एक वन ओके वन क्या होता है आपका ए। अब जो यहाँ वर्ड था जैसे एल 12 से 3 ऐड हुआ था तो यहाँ पे 4 हुआ है मीन्स अगर यहाँ पर ठीक है कितना ऐड होना है प्लस 3 अगर यहाँ पर ए होगा तो ही उसमें प्लस 3 ऐड होगा यहाँ पर राइट यहाँ पर प्लस 4 ऐड होगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस 2 मीन्स 21 यहाँ कितना होना चाहिए 19 19 क्या होता है आपका एस। सिमिलरली यहाँ पर था प्लस 1 ऐड हुआ था प्लस 1 किस में ऐड हुआ था दिस टर्म में तो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर होना चाहिए था 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बी। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम जो यहाँ पर वर्ड था वो प्लस 1 था यहाँ से 20 से यहाँ जाएगा 21 प्लस 2 करेंगे 9 में इसमें क्या करेंगे हम प्लस 2 तो यहाँ जाएगा 11 देन प्लस 3 18 एंड 14 में प्लस 4 करेंगे तो 18 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यू हम बोलिए 11 होता है के आर आर ये आपका आंसर फाइनल आंसर हो गया ठीक है। देखो इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम इसका पार्ट टू में और भी जो इसकी टाइप बची हैं कोडिंग डिकोडिंग की सिंबल्स की और जो होते हैं जैसे इफ़ स्काई कलर इज़ ब्लू एंड ब्लू कलर इज़ रेड एंड रेड कलर इज़
इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और रीजनिंग की सभी वीडियोस हम इससे और भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे, हम हर एक टाइप को उसमें कवर करेंगे। वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, उसको प्रैक्टिस करना। हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको एक बेल बटन दिखेगा आप इसको क्लिक कर सकते हैं, सो दैट कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का सिंबल है, आप यूट्यूब पे जब जय रूहिल आप टाइप करोगे तो आपको हमारा चैनल ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।